उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लाइन में खड़े खड़े किसान की मृत्यु हो गई। खाद की लाइन में दो दिन से लगे किसान की मृत्यु दुखद है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खाद के लिए दो दिनों से लाइन में खड़े किसान, जिनका नाम भोगीलाल है, उनकी शुक्रवार को मौत हो गई थी। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार वो दो दिन से लाइन में भूखे ही खड़े थे। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ललितपुर के एक किसान की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। प्रियंका के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि भाजपा के राज में खाद की कमी ने बेहद दर्दनाक मोड़ ले लिया है। शुक्रवार को ललितपुर में दो दिनों से खाद की लाइन में लगे एक किसान की मृत्यु हो गई और इसका दुखद समाचार उन्हें मिला। सरकार तुरंत किसान का परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान करे। हम सब नया गांव के रहने वाले हैं। आज कम से कम दो तीन दिन से लाइन में लगे परेशान हो गए, खाद नहीं मिल रहा। आज फिर शाम मानो सवेरे 8 बजे लाइन में लग गए थे। लाइन में लगे लगे फिर भी मानो भीड़ भाड़ पड़ गई तो ललका लड़कुरी करी, घाम के तप गए। दो दिन से मैंने खाना नहीं खा पाओ तो खाते के चक्कर में। आपके वो चाचा जी थे? हाँ, मैं चाचा जी हूँ। फिर इसके बाद में उन्हें तबीयत खराब भई, कहते अस्पताल में लेके आए, कहते मेरे तो घुसस करता अस्पताल वाले ने। आप इसमें कोई अगर रिहाय शासन प्रशासन से मिल सके तो कोई इसमें हमारी मदद करे। स्पेशल न्यूज प्लस, ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।